सदर तहसील में कार के अंदर रिश्वत के 10 लाख रुपए का है मामला। लेखपाल चौधरी भीमसेन पर है रिश्वत की रकम लेने का आरोप। पूरे मामले की हो रही है जांच, आरोपी पाए जाने पर होगी कार्यवाही। तहसील से कार को थाने भेजा, सीसीटीवी सर्विलांस में खड़ी होगी कार। सुबह फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में खोली जाएगी कार। ACP ने कहा, लिखित शिकायत के बाद भ्रष्टाचार अधिनियम में दर्ज हो रहा है केस। SDM 10 लाख रिश्वत की रकम लेकर स्विफ्ट कार पहुंची थी तहसील। शिकायतकर्ता, रिश्वत की रकम लेकर तहसील पहुंचे लेखपाल पर कार छोड़कर भागने का है आरोप। 2 अलग अलग पैकेट में 10 लाख की रिश्वत लेने के हैं आरोप। सूचना के बाद SDM, ACP, तहसीलदार, पुलिस फोर्स पहुंची थी मौके पर। थाना शाहगंज सदर तहसील परिसर का है ये मामला। हम लोगों को शिकायत मिली थी इस प्रकरण में कि हमारे ही एक लेखपाल से संबंधित एक शिकायत आई थी कि कुछ पैसे का लेन देन हुआ है। उसके संबंध में जब हमने आके देखा तो एक गाड़ी थी जिसपे अलिज किया जा रहा था कि उसके अंदर कैश है। उसके संबंध में हम लोगों ने CO पुलिस वगैरह ऑलरेडी वहां पे मौजूद थी, उनको इन्फॉर्म करके यहाँ पे बुलाया और जो शिकायत करता था उसने अपनी बात कही है, अपना स्टेटमेंट दिया है जिसपे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। विभाग द्वारा, क्योंकि इसमें लेखपाल का मैटर है और ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर आरोप है जिसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, करप्शन इज जस्ट नॉट टॉलरेटेड, एज अ रिजल्ट इसमें हम लोग की तरफ से समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है और बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी विदाउट एनी फेल इन पे कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है लेखपाल का? लेखपाल का नाम है चौधरी भीमसेन चौधरी। चौधरी भीमसेन के बारे में बताया जाता है कि अकूत संपत्ति उन्होंने एकत्रित किए, तो क्या विभाग आय से अधिक संपत्ति है, इस तरह की जांचों को भी करेगा? जी, जब मैंने आपसे कहा कि इन पे समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी तो मतलब इनकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। जांच में जो भी चीजें निकलती हैं गंभीर आरोप के अंतर्गत जो दंड होगा वो दिया जाएगा। उमेश राणा, बमनोली कटारा में रहता हूँ। उमेश जी, क्या आरोप है बता रहे हैं गाड़ी में पैसे? हमारी सर, मैं जिला आगरा में रहता हूँ, सदर तहसील हमारी पड़ती है। सदर तहसील में एक लेखपाल है भीमसेन चौधरी, वो यहाँ पे काम लेखपाल पे तैनात है और वो जो भी कोई काम करते हैं बंगोली कटारा में ना हर चीज के लिए पैसे लेते हैं। 100 रुपये का काम है कम से कम 10,000 रुपये लेंगे, 10,000 का काम है कम से कम 10 लाख रुपये लेंगे, हर चीज के लिए उन्हें पैसा चाहिए। अभी एक गरीब आदमी कोई बाहर रहते हैं, वो हमारी बंगोली कटारा के ही है, तो उनके किसी भाई का नाम गलत हो गया था उसमें। किस चीज में? खतौनी में, खतौनी में उनका नाम गलत हो गया था। वो खतौनी नाम सही करवाने के लिए जब उनसे बोला तो उन्होंने 10 लाख रुपये रिश्वत मांगी। मैं मुझे उनको पकड़ना था, बहुत टाइम से बहुत पैसे मांग रहे थे हर चीज के, हर किसी के लिए, तो मैं उसी चीज उनके साथ रहा किसान के। तो जब 10 लाख रुपए उन्होंने दिए, उनसे 5 लाख रुपए मैंने उन्हें अपने हाथ से दिए और वो मैंने उनकी इस गाड़ी में रखे हैं 5 लाख रुपए। जब मैंने सभी को फोन किया, DM साहब को फोन किया, कमिश्नर साहब को भी फोन किया, पुलिस को भी वैसे फोन किया, 112 पर भी फोन किया, एंटी करप्शन पर भी फोन किया, इनकम टैक्स ऑफिस में भी फोन किया, सभी लोग इनकम टैक्स वाले कहने लगे वो करेंगे, एंटी करप्शन वाले कहने लगे कि पुलिस करेगी। समझ नहीं आया कि कौन कार्रवाई करेगा, मुझे नहीं पता। आरोप है कि वहाँ रिश्वत दी गई और उसके बाद मैंने खुद अपने हाथ से 5 लाख रुपए उनकी गाड़ी में रखे हुए हैं। मेरे पास उसका वीडियो भी है और उनकी गाड़ी ये सामने मेरे साथ है। तो क्या रिश्वत की रकम देने के बाद उनकी गाड़ी के पीछा कर रहे थे? हाँ, मैं उनकी गाड़ी का पीछा करता था, जहाँ से मैंने उनकी गाड़ी में पैसे रखे वहाँ से तहसील तक मैं उनके साथ आया हूँ। और अभी भी रात का इतना टाइम हो गया, करीब कितना टाइम, अभी 9-10 बजे 2-3 घंटे हो गए मुझे गाड़ी के पास खड़े खड़े, कोई इसकी गाड़ी की प्रॉपर कार्रवाई नहीं। गाड़ी वो खुद ही चला के आए थे? हाँ, वो खुद चला के गए थे। गाड़ी से उतरने के भागे? हाँ, उतरने का भागे। सागर थाना की पुलिस भी बुलाई, मैं दरवाजे आए हुए, वो भी यहीं पे तैनात है, बाकायदा गाड़ी की रखवाली कर रहे हैं, अभी गाड़ी चेक नहीं हुई है। सर, ये तहसील सदर का क्या मामला है? देखिए, 112 नंबर पे एक शिकायत प्राप्त होती है कि तहसील सदर पे एक गाड़ी खड़ी है जिसमें 10 लाख रुपए हैं जो कि रिश्वत के पैसे हैं। इस पे शाहगंज पुलिस के द्वारा तुरंत संज्ञान लिया जाता है, वहां पहुंच के गाड़ी को कब्जा पुलिस लिया जाता है और वह तहसील के अधिकारियों को सूचित किया जाता है। तहसील के अधिकारियों को सूचित करने के बाद, शिकायतकर्ता से बात करने के बाद तहरीर ली जाती है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। जल्द से जल्द इसके जो और जो पहलू हैं उनको छानबीन कर उस पर कार्रवाई की जाएगी और मुलजिम को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6,000 से लेकर 60,000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2,500 से लेकर 25,000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होली गेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेंजा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।